अस्सलामु अलैकुम बच्चों, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जनाब कुतुबुद्दीन मौलिम बॉयज प्राइमरी स्कूल में ऑनलाइन तालीम में धोरण 8 विषय अरबी, विषयांक पाठ 30, कविता नमलतु कीड़ी। तो आज हम कविता 30 नंबर की जो कविता है कीड़ी, वो हम आज आपको पढ़ाएंगे। तो इसके अंदर 8 जुमले है, तो हम वो 8 जुमले आज पढ़ेंगे। ताबा साई बिल अमली, ताबा साई बिल अमली, हूँ आड़स ने पसंद नथी करती। यानी कीड़ी जो है वो कह रही है कि हूँ आड़स ने पसंद नथी करती। लस्तु अरदा बिल कसली, लस्तु अरदा बिल कसली, मारु प्रयत्न आसाने कारणे सफल थई गयु। गायती नीलु नीनु तलबी, गायती नीलु तलब, हूँ थाकनी दरार करती नथी। यानी कीड़ी जो है वो आप सबने देखी है, तो वो कीड़ी जो है वो लगातार काम करती रहती है और कभी वो थकती नहीं है। ला अबाली बिताब, ला अबाली बिताब, मारो हेतु इच्छित वस्तुओं ने प्राप्त करवानो छे। इसके बाद अपतनी, अपतनिल बैत हसन, अपतनिल बैतल हसन, बिन निजामी ली लस्कन, बी निजामिन बिल लस्कन, हूँ रहवा माटे व्यवस्थित सारू घर बनाऊँ छूँ, हूँ रहवा माटे व्यवस्थित सारू घर बनाऊँ छूँ। यानी कीड़ी जो है वो ज़मीन के अंदर जो है सुराख कर कर अपना घर बनाती है। वली कूती जहब, वली कूती जहब, लस्तु यौमन अल अब, लस्तु यौमन अल अब, मारू खोराक प्राप्त करवा माटे हूँ जाऊँ छूँ अने कोई दिवस हूँ रमती नथी। इसके बाद कुल्ला सईफी अजमऊ ली ताम यश बियो, कुल्ला सईफिन अजमऊ ली तामन युश बियो, दरेक गर्मीनी ऋतु में हूँ पोताना माटे एटलो खोराक भेगा करूँ छूँ जे मारू पेट भरी दे। तो कीड़ी जो है वो गर्मी के मौसम में अपने लिए खाना जमा करती है। फाज जा अल मतरु कान ली बैतनील मकरु, જ્યારે વરસાદનો જમાનો આવે છે તો મારું ઘર મારું ઠેકાણું હોય છે। તો બારિશ કે દિનો મેં જો હૈ કીડી વો અપને ઘર મેં રહેતી હૈ। ઇસકે બાદ ઝાકા શાની ફિસગર વો નિઝામી ફિલ, ઝાકા શાકોની ફિસગરુ વો નિઝામી ફિલ કિબારુ, आज नानपण में हूँ मारो वैभव होय छे अने आज मारा जीवननू तंत्र होय छे घड़पण में। यानी जब कीड़ी जवान होती है, छोटी होती है, जब भी तब भी उसका वैभव वही होता है, और जब वो बूढ़ी हो जाती है तब भी उसका वैभव वही रहता है। अन्ननी नेमल मशल बिच तिहादी फिल अमल, तो इननी नेमल मशालू बीज तिहादी फिल अमल, हूँ श्रेष्ठ उदाहरण छूँ अमलना संदर्भ में मारा प्रयत्न में। तो बच्चों, ये आज की जो कविता है उसकी ये 8 लाइनें जो हमने आपको भेजी हैं वो आप अच्छी तरह से याद करेंगे और अपनी अरबी की नोट में लिखेंगे। तो अपनी अरबी की परीक्षा भी इस महीने में होने वाली है, तो आप मेहनत करके याद करके अपना पूरा लेसन करेंगे और याद करेंगे और परीक्षा की तैयारी करेंगे। बस खुदा हाफिज़।